महम चौबीसी का चुनाव एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी कारण सुर्खियां बन चुका है। महम से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद सिंह दांगी, बीजेपी से शमशेर खरकड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बल्लाज कुंडू चुनावी मैदान में हैं। बल्लाज कुंडू ने दोनों धुरंधरों को हराने के लिए महम चौबीसी में हर रोज गाँव में रोड शो कर बाकी उम्मीदवारों से आगे निकल चुके हैं। वहीं गाँव गाँव जोरदार स्वागत भी उनका किया जा रहा है। महम हल्के के सुंदरपुर गाँव में बल्लाज कुंडू का जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं ने भी कुंडू का जोरदार स्वागत किया। बल्लाज कुंडू ने कहा कि देश के गृह मंत्री महम पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। वहीं बल्लाज कुंडू ने कहा कि बीजेपी की रैली फ्लॉप रही। साथ ही कहा कि रैली बीजेपी की थी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर आया तो लोगों ने बल्लाज कुंडू के हेलीकॉप्टर को याद किया। उन्होंने कहा कि इस बार महम से बल्लाज कुंडू की जीत होगी। पूरा महम चौबीसी में एक तूफान बन चुका है, इसमें 1% भी कोई दो राय नहीं कि आपको जो है ना, एक आपकी बार जैसे पुराना इतिहास रहा है महम चौबीसी का, और अभी अठगामा मिला है, इनमें भी उन्होंने महम चौबीसी वाला करंट पूरा डाल दिया है। और आपको जो 21 तारीख को हेलीकॉप्टर का बटन दबा कर ये जो 24 को रिजल्ट आएगा वो एक चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 3 हलकों की रैली है और वहाँ पर मात्र 4,000 आदमी भी नहीं पहुँचना। 3 हलकों की रैली और पार्टी के हमारे देश के होम मिनिस्टर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं और वो तो बोल के गए हैं, आपको बैठने की मेरे को बताने की जरूरत नहीं। वो मेरा प्रचार करने के लिए आए थे, हेलीकॉप्टर दिखाने के लिए महम वालों को, भाई गलती होगी इसने जिता दो छोरा अपनाए है। चर्चा की थी लेकिन हेलीकॉप्टर कुंडू का याद करे लोग। बिल्कुल, ये मैंने बताया था आपको, पहले बताया था और लोगों में एक चर्चा का विषय है। अगर वो उसकी रैली ना करना आए थे, वो कुंडू खातर हेलीकॉप्टर दिखाना आए थे, इसने बना के जिता दियो भाई। लोगों को क्लियर हो गया है कल, और वो 2-4 दिन में आप देखने के बाद देख लेना, वो अपने घर आराम से बैठ जाएंगे, ज्यादा भाग दौड़ करना बंद कर देंगे ये 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, कल शाम को 7 बजे दफ्तर के ताले लग गए थे उनके दफ्तर के। तो ये माहौल जो ना डेली तूफान बन रहा है और एक नया इतिहास रचेगा आपकी बार महम चौबीसी। यहाँ पे जो है ना, अन्याय के खिलाफ हमेशा महम चौबीसी के चबूतरे से आवाज़ उठी है और ये अन्याय जो हमारे साथ अब हुआ है, देने के मूड में आ चुकी है महम चौबीसी। बुखलाट है इस बात को लेकर, बुखलाट 7 बजे दफ्तर बंद होना आप सुकून समझते हो भाई जी, भाई उसका क्या राजभर भाई क्या है, कुछ किस प्रकार का लोगों के अंदर एक उत्साह जोश है। और मैं आपको एक दावा और करता हूँ, मदीना गाँव से मैं जीत रहा हूँ, महम शहर जिसको बोलते हैं महम शहर से, उसका महम शहर से मैं जीत रहा हूँ। और खरकड़ा गांव की बात की जाती थी, अब वहाँ से तो जो 50 वोट कभी निकली, 1,000 वोट मेरे को मिलने वाले ही, आपको रिजल्ट दिखाएगा इस बात का नतीजा।